आज मैं आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा। तो इसमें देखिए, जितने मैं बुक लिया हूँ, एक ये HM का है, इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको मैं लगभग ज़्यादा ज़्यादा कराऊंगा। तो इसमें देखिएगा, मैं क्वेश्चन लगवा रहा हूँ। इसमें पूछ रहा है आपका कि हाउ मच वर्क डन विल बी डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट वेयर द पोटेंशियल इज 15 वोल्ट। अब इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि जो चार्ज यानी क्यों होता है आपका, कितना दिया है, 2 कूलम दिया है, यानी कि जीरो लिखा से कोई मतलब नहीं है, कूलम हो गया। उसके बाद हमारे पास जो पोटेंशियल दिया हुआ है यानी कि विभव दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है वोल्ट। ठीक है, वोल्ट यहाँ पे है, ये कूलम है। ठीक है, ये दिया हुआ आपका। अब पूछ रहा वर्क डन, तो देखिए वर्क डन का फॉर्मूला यानी कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है W अपॉन क्यू होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। अब देखिए W इक्वल टू क्या होगा, वी क्यू होगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू जो रखी हुई है, इसके रख दीजिए कितना है, इसमें 15 है, 15 और यहाँ पे कितना दिया हुआ आपका, 2 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 जूल आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही क्वेश्चन में था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, पहले इसको लिख लीजिए। देखिए अगले क्वेश्चन में दिया आपका है कि अ पार्टिकल हैविंग 5 माइक्रोकूलम चार्ज इज टेकन फ्रॉम अ पोटेंशियल ऑफ 40 वोल्ट टू अ पोटेंशियल ऑफ 120 वोल्ट, कैलकुलेट द वर्क डन। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है। सबसे पहले हमारे पास चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, 5 माइक्रोकूलम। माइक्रो को हम चेंज करते हैं, माइक्रो मतलब होता है 10^-6, तो यहाँ पे 10^-6 हम 6 रख देंगे, कूलम। ठीक है, अब हमारा पोटेंशियल जो है इसमें देखिए चेंज हो रहा है, तो सबसे पहले हम इसमें चेंज इन पोटेंशियल निकालेंगे, डेल्टा वी यानी V2 - V1, तो कितना हो जाएगा, 120 - 40 इक्वल टू 80 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए 80 वोल्ट हो गया ये, अब हमारे पास वर्क डन निकालना है, तो क्या होगा वर्क डन का फॉर्मूला, सॉरी पहले इसे लिख लीजिए इसको, डेल्टा वी बराबर क्या होगा, W अपॉन क्यू, तो यहाँ पे हमें W कितना निकलेगा, क्यू डेल्टा वी, दोनों को रख दीजिए, यहाँ पे क्यू कितना आपका है 5 × 10^-6 और ये कितना आपका 80 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 और एक जीरो पहले से ये, और ये हो जाएगा आपका 10^-6, ये 2 जीरो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 × 10^-4 हो जाएगा यहाँ पे, इसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया आपका। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 × 10^15 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ अ करंट थ्रू द कंडक्टर। अब इसमें देखिए इन्होंने दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ आपका, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ और एक सेकेंड के लिए बह रहा है, तो उसमें कितना करंट प्रोड्यूस होगा, कितना उत्पन्न होगा वो हमको बताना है। ठीक है, कितना बहेगा एक सेकेंड में। तो सबसे पहले इसमें देखिए दिया क्या क्या है। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि आपका आई तो निकालना है, सबसे पहली बात है ये है, और टी देखिए पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड, ठीक है, जब भी पर सेकेंड प्रति सेकेंड कह देते एक सेकेंड। ठीक, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ, 5 × 10^15 दिया हुआ। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद आपका फॉर्मूला होता है, देखिए क्यू इजकल टू IT और इसी के इक्वल टू होता है NE। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये नहीं दिया हुआ, तो इसके हम बात नहीं करेंगे। ठीक है ना, हमारे पास क्या क्या, देखिए N दिया हुआ, चलिए समझ में आ रहा है, ये भी दिया, ये समझ में आ रहा है, अब ये निकालना ये भी पता चल रहा है। अब ये तो खुद पता होता है कि इसकी वैल्यू होती है फिक्स, कितनी होती है, 1.10^-19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर, दो ही चीज़ हमको मालूम है, तो ये दोनों फॉर्मूला उठा कर रख देंगे, तीसरे से नहीं मतलब होगा। उसके बाद I इक्वल टू क्या होगा, NE अपॉन T, यानी वैल्यू रख दीजिए तो कितना होगा, ये रखिए 5 × 10^15 और ये कितना दिया है, 1.6 × 10^-19 अपॉन 1,
तो हमसे कोई मतलब रहेगा नहीं। अब देखिए सबसे पहले पावर को सॉल्व करिए, पावर को सॉल्व करेंगे प्लस माइनस है, तो ये माइनस ये बड़ा है इसका साइन रखेंगे माइनस, कितना घटेगा तो होगा चार, तो दस के पावर चार आ गया। अब देखिए ये होगा सोलह पाँच अस्सी, एक पॉइंट लगाया तो एक पॉइंट लगा देंगे तो ये ओवरऑल आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, आई की एम्पियर होती है, ओके ठीक है। अब देखिए उसके बाद इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन में देखिए आप लोग को दिख रहा होगा कि अ करंट ऑफ 8 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू इट्स क्रॉस सेक्शन इन अ वन मिनट। अब देखिए इसमें दिया क्या क्या है, गिवन क्या क्या है। सबसे पहले हमें एम्पियर दिया यानी करंट दिया हुआ है, करंट कितना दे 8 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है समय दिया हुआ है वन मिनट, तो वन मिनट का मतलब हम लोग कितना समझे 60 सेकंड, ठीक है ना, 60 सेकंड दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रो, कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, तो सबसे पहले एन एम को बताना है। अब देखिए फॉर्मूला आपको बता रहे हैं हम, क्यू इजकल टू एन ई होता है और क्यू इजकल टू आई टी भी होता है। देखिए ये दिया नहीं हुआ है इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, ये दिया हुआ है ये दिया तो पहले से फिक्स है ये, और ये हमें दिया हुआ है ये भी दिया हुआ है, यानी कि हमें एन बताना है, तो ये फॉर्मूला लिखेंगे एन ई बराबर आई टी, ठीक है। तो इसमें देखिए जो जो गिवन होता है ना हम उसको देखते हैं, तो जो जो गिवन है वो फाइंड, देखिए सबसे पहले जानना है कि आपको दिया क्या क्या है, गिवन क्या क्या है और फाइंड क्या करना है, ज्ञात क्या करना है आपको, वो चीज़ ढूंढिए पहले, उसको ढूंढ लेंगे। अब देखिए कुछ लोग सोचेंगे कैसे पता लगेगा कि कैसे ये दिया हुआ दिया, सबसे पहले सबकी यूनिट याद रखिए, मात्रक याद रखिए, मात्रक याद करने से आपको पता चल जाता है दिया क्या क्या है वो रखिए, और आपको फाइंड क्या करना है ज्ञात क्या करना है वो ध्यान दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास निकालना है तो ये लिख लेंगे एन बराबर आई टी अपॉन ई हो जाएगा, ठीक है। अभी सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो यहाँ कितना 8 इंटू ये 60 अपॉन ये हुआ 1.6 इंटू 10 टू पावर 19 हो गया, ठीक है यहाँ पे। तो अब देखिए क्या करेंगे, पॉइंट ये हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो इससे ये कट गया दो बार में, ठीक। अब इसको काटेंगे इससे तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एक जीरो बढ़ा देंगे ये खत्म हो गया। अब ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ऊपर जाता है तो जब भी कोई ऊपर नीचे आता है तो साइन उसका बदल जाता है, कितना होगा 3 × 10⁻¹⁹ इसको लिखिए 300 × 10⁻¹⁹, इसको दो जीरो एक और यहाँ बढ़ा देंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके, इसकी यूनिट नहीं होती है, तो ये इतने इलेक्ट्रॉन बह रहे होंगे उस कंडक्टर थ्रू, ठीक है, या उस चालक के थ्रू बह रहे होंगे। ये आपका हो गया चौथा क्वेश्चन। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि लिखा हाउ मच करंट विल बी पास थ्रू अ रजिस्टर ऑफ 15 ओम रजिस्टेंस विद अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस इट। इसमें दिए होंगे ये कि इसमें आपके करंट देखिए बताने कितने करंट हैं, ठीक है, जब कोई किसी प्रतिरोध से, ठीक है, जब कोई प्रतिरोध किसी सर्किट में 9 वोल्ट की बैटरी है जो उसमें एक बनाया गया परिपथ है, सर्किट बनाया गया है, तो उसमें कितने करंट पास हो रहे होंगे वो बताने हमारे पास। तो सबसे पहले इसमें डेटा गिवन क्या गया वो लिख लेंगे, उसके बाद हम बताएंगे। तो देखिएगा इसमें कितना लिखा हुआ है, देखिए लिया रेजिस्टेंस कितना लिखा 15 ओम लिखा, और हमारे पास जो वोल्ट है यानी कि पोटेंशियल है कितना 9 वोल्ट है, ठीक है। अब हमें पूछ कह रहा है करंट पूछ रहा है, इसका कोई फार्मूला आपको याद होगा शायद तीनों के मिला के, तो वी इजकल टू आई आर होता है पता आपको एकदम बढ़िया से, तो आई बराबर क्या होगा वी अपान आर होगा। वी की वैल्यू कितनी है 9 है, ये हो जाएगा आपका 15, सॉल्व करेंगे इसको 3 से कट करेंगे कितना होगा 3/5, ये आपका आंसर हो गया एम्पियर में, ठीक है। तो ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, बस सबको फार्मूला याद होना चाहिए और सबसे पहले पता होना चाहिए कि दिया क्या क्या, गिवन क्या क्या, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लिखा है व्हेन अ पार्टिकल ऑफ
10 माइक्रो कूलम इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट 2 मिली जूल वर्क डन व्हाट इज द पोटेंशियल एट द पॉइंट। इसमें ये कह रहे हैं कि जब कोई चार्ज 10 माइक्रो कूलम का है उसको अनंत से यानी इन्फिनिटू से हमें किसी दूसरे पॉइंट पे लेके जाया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें वर्क डन करना पड़ रहा है हमें 2 मिली जूल, ठीक है, मतलब उसको ले जाने में यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो उसको वर्क डन यानी कार्य करना पड़ रहा है वो कितना करना पड़ रहा है 2 मिली जूल। तो अब बताने हम के कि पोटेंशियल क्या रहा होगा, क्या पोटेंशियल होगा उसका। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है उसको याद रखिए। तो देखिए चार्ज जो दिया है हमारे पास क्यू बराबर 10 माइक्रो कूलम, ठीक, और हमारे पास वर्क डन दिया है 2 मिली जूल। अब पूछ रहा है पोटेंशियल क्या होगा, तो फार्मूला एक ही पता हम लोग को यही है डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, इसका हो जाएगा 2, गलत लिख दिया ना, थोड़ा ध्यान दीजिए ये वाला देख यहाँ लिखना है 10 के पावर में कितना होगा माइनस का 3, और ये नीचे होगा 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 अपॉन 10, और ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 3 माइनस का या प्लस का 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये तो काटेंगे आपका कितना 5 बार कट जाएगा, तो 1 अपॉन 5 इंटू 10 के पावर 3, इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा 0.2 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट, ठीक है, ये भी आंसर आपका हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको लिख लीजिए। देखिए लिखा अगला क्वेश्चन, हाउ मच चार्ज फ्लो थ्रू अ वायर वायर कैरियंग 2.5 एम्पियर ऑफ करंट इन 10 मिनट्स। मतलब कह रहे हैं कि कितना चार्ज होगा जब किसी तार से 2.5 एम्पियर की धारा बह रही है और 10 मिनट के लिए बह रही है, ठीक है, तो कितना होगा चार्ज। तो सबसे पहले हमने दिया क्या क्या है, आई दिया हुआ है 2.5 एम्पियर और हमारे पास क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 10 मिनट्स, ठीक है, तो ये हमारे पास चीज़ हो गया। अब फार्मूला हमको याद होना चाहिए, कौन सा फार्मूला बताना, तो क्यू इजकल टू आई टी होता है पता आप लोग को, तो ये फार्मूले में रखिए। सबसे पहले ये देखिए 2.5 है, 10 मिनट, मिनट को चेंज करेंगे 60 सेकंड में करने के लिए 60 से गुणा करेंगे, देखिए इसका गुणा करेंगे तो ये हट जाएगा पॉइंट और ये 60 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 25 × 6 150 एक जीरो ये रहेगा यानी 1500 कूलम आपके आएंगे, ठीक है, ये चार्ज होंगे। देखिए अभी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, अगर ये आपको समझ में आ रहा होगा तो इसके आगे नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, थैंक यू।